हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 नंबर्स अप टू 9 ये हम कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज के जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए यहां पे। आपको यहां पे मैंने समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना है, यही आपका क्लास वर्क है। और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, वो आपका होमवर्क है। होमवर्क सेम ऐसे ही रहेगा, जो आप समझ रहे हो यही आपका क्लास वर्क, और जो आप कॉपी में नोट डाउन करोगे वो आपका होमवर्क। अब ध्यान से देखिएगा कि हर लाइन में कुछ ना कुछ कहा गया है। चैप्टर नंबर क्या है? नंबर अप टू 9, यानी कि आपको 9 तक के क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको सिर्फ 9 नंबर तक के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है क्या कह रही है। Which number comes just before 5? देखो, which number मतलब कौन सा number come यानी आता है just before, तुरंत पहले। किसके तुरंत पहले? 5। Before का मतलब मैंने पहले भी बताया था, before का मतलब होता है पहले, है ना? यहाँ साइड में चाहो तो मैं लिख दूँ, या फिर हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको हिंदी वापस, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। Before का मतलब होता है पहले, ठीक है? तो जब बिफोर आया तो समझ जाना है आपको कि पहले वाला नंबर पूछ रहा है। और ये मैंने हिंदी में समझाई कि विच नंबर, कौन सा नंबर कम जस्ट तुरंत आता है बिफोर 5 के पहले। तो 5 के पहले कौन सा नंबर आता है? सभी को पता है 1 2 3 4 5। तो 5 से पहले कौन आया? 4। हम यहां 4 लिख देंगे, ओके। अब अगली लाइन सेकंड लाइन देखिए, विच नंबर यानी कौन सा नंबर कम्स आता है जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद में। अब पहले पूछा था यहाँ पर बिफोर, यहाँ पूछा है जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट का मतलब एक नंबर अगला, और आफ्टर का मतलब बाद में होते हैं, ठीक है? आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब भी मैं वापस बता देता हूँ, पहले भी बताया था। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो जस्ट किसके बाद में? 2 के बाद में। तो 2 के जस्ट आफ्टर यानी जस्ट बाद, तुरंत बाद में कौन सा नंबर आता है ये पूछ रहे हैं। विच नंबर यानी कौन सा नंबर? तो 2 के बाद में आपको पता ही है 1 2 3, काउंटिंग करिए 1 2 3, 2 के बाद जस्ट 3 आता है, ओके स्टूडेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट कम्स बिटवीन 7 एंड 9? 7 व्हाट कम्स, क्या आता है बिटवीन यानी बीच में, किनके बीच में? 7 एंड 9। ये कह रहे हैं कि 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो आपको काउंटिंग तो आती है 9 की, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 7 और 9 के बीच में कौन आया? 8। अगर आप चाहो तो नंबर लाइन से बीच को समझ सकते हो, इस टाइप की नंबर लाइन होती है, हमने पढ़ा था, है ना? तो इस नंबर लाइन में आप देखिए 0 से 9 तक के नंबर दिए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 7 और 9 दोनों के बीच में कौन है? 8। तो हम नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हैं कि इनके बीच में कौन आता है। तो 7 और 9 के बीच में आता है 8। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है? वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अब आपको पता ही इतना सब कुछ, बिफोर का बता दिया है, आफ्टर का बता दिया, चलो इसका भी लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहे। बिटवीन मतलब होता है बीच में, ठीक है? नंबर 4 पॉइंट देखिए, फोर्थ में क्या करने के लिए कहा गया है, सर्कल ऑल द नंबर्स व्हिच कम आफ्टर 3। ये कह रहे हैं उन नंबरों को सर्कल यानी गोला करिए, ऑल द नंबर्स सभी नंबरों को, व्हिच कम्स जो आते हैं आफ्टर 3, जो 3 के बाद आते हैं वो सभी नंबर, सभी का मतलब ये नहीं कि सब पे सर्कल कर दो, वो सभी नंबर जो 3 के बाद आते हैं उन पे आप सर्कल बनाएंगे। तो काउंटिंग करिए, 3 के बाद 1 तो पहले आता है, 2 भी पहले आता है, नंबर लाइन में भी चेक कर सकते हो। 3 के बाद आता है 4, ये मैंने सर्कल कर दिया। फिर 5 भी आता है 3 के बाद ही आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, और 8 भी अगला ही नंबर है, आगे का ही नंबर है। 3 के बाद का मतलब 3 के आगे आने वाले आफ्टर आने वाला नंबर का आपको सर्कल करना है। 5 वहां से 7 यहां है, नहीं पर 8 है, तो 8 पर आम करिए। इस तरह से 3 के आगे वाले नंबरों को हमने सर्कल कर दिया।
उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 5.1 में क्या कहा गया, सर्कल ऑल द नंबर, बोला करिए सभी नंबरों पे व्हिच कम जो आते हैं बिफोर यानी पहले 7, जो 7 से पहले नंबर आते हैं उन सभी का आपको सर्कल करना है। तो आपको पता है 1 2 तो 7 से पहले आएगा, 1 2 है ना, 6 तक के नंबर क्या होते हैं 7 से पहले आते हैं, 6 तक के नंबर देखिए 2 है 3 है 4 है और ये 6 तक का बोला था मैंने, 7 को नहीं लेना है, 7 से पहले बोला है, 7 ये है भी नहीं, 8 और 9 7 के बाद आते हैं, बाद वाले नहीं, यहां पे बिफोर आ गया है, बिफोर का मैं बिफोर वाला नंबर दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए 5 पॉइंट्स करने हैं जो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये वाला वर्क आपको ये नहीं लिखना है बिफोर, ये मीनिंग के आपको समझाने के लिए था, ये आप रफ में उतार सकते हैं, बाकी का जो वर्क है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, होमवर्क नोट डाउन करके, यही आपका होमवर्क है और यही आपका क्लास वर्क, पर दो बार नहीं करना, एक बार ही करना है आपको होमवर्क में, क्लास वर्क ये जो आप समझ रहे हो यही आपका क्लास वर्क है और जो आप नोट डाउन करोगे नोटबुक में वो आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बची है उसको हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।